बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रैफिक लाइट्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। इसको हम एक सिमुलेटर सॉफ्टवेयर जो कि मित्सुबिशी पीएलसी के लिए यूज़ होता है, एफएक्स सीरीज ट्रेनर, उसमें हम बना करके और उसके बाद उसको सिमुलेट करेंगे और आपको एनिमेशन के तौर पर दिखाएँगे कि कैसे जो है ना ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल की जाती हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे एफएक्स के नाम से, इसको आप फ्रीली नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और बग़ैर पीएलसीज के इसको ऑफलाइन आप काम कर सकते हैं। घर में अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लें तो आप यहाँ पे सारे प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको मैंने ओपन किया तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, ये हमारे पास ओपन हो गया। तो स्टार्ट पे जाके आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास चैप्टर्स दिए हुए हैं। चैप्टर ए है, उसके अंदर 3 एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। चैप्टर बी है, उसके अंदर बहुत से एक्सरसाइजेज हैं, 4 एक्सरसाइज हैं। सी के अंदर एक्सरसाइज हैं, डी के अंदर हैं, ई के अंदर हैं, और इसी तरीके से आप आगे जाएंगे तो एफ तक आपके पास चैप्टर्स हैं जिनके अंदर बहुत से एक्सरसाइज मौजूद हैं। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर डी में जा करके D3 में टाइम कंट्रोल फॉर ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर जो है ना, इसको देखता हूँ। इसके लिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर ओपन हो जाता है। इसके अंदर देखें यहाँ पे ये जो बंदे की तस्वीर नज़र आ रही है, इस पिक्चर का आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी सारी थ्योरेटिकल डिटेल ओपन हो जाती है। चैप्टर 1 है, उसको आप सारे को पढ़ें, आपको इस ट्रैफिक लाइट किस तरह डिज़ाइन की जाती हैं उसके बारे में सारी थ्योरेटिकल डिटेल मिलेगी। फिर चैप्टर 2 है, उसमें भी इसने इसके डिस्कस किया है। चैप्टर 3 में इसको डिस्कस किया है। इन तीनों चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस यहाँ पे प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकें। इसके अंदर हम जाते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। प्रोग्राम चूँकि थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो इस वजह से मैं इस प्रोग्राम को, मेरे पास बना हुआ है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए आप सबसे पहले एडिट लेटर पर जाएँगे, उसके बाद प्रोजेक्ट में जा करके, यानी आप ओपन न्यू प्रोजेक्ट के बजाय ओपन प्रोजेक्ट करेंगे, जिसके अंदर सेव प्रोजेक्ट हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे D3 के नाम से, 3-1 के नाम से प्रोजेक्ट मौजूद है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये ट्रैफिक लाइट का प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है, ये ओपन हो जाता है। ये कैसे काम करता है, इसमें देखें हमारे पास ये ट्रेनर को पहले देख लें। ट्रेनर के अंदर हमारे पास 2 परमानेंट स्विच हैं, X2 और X3, X24 X25, और 1, 2, 3, 4 हमारे पास पुश बटन्स हैं, X20 X21 X22 X23, और आउटपुट के लिए हमारे पास जो LEDs हैं वो Y20, Y21, Y22, Y23 4 लाइट्स दी हुई हैं। इसके अलावा जो ऊपर स्क्रीन पे हमें एक्स जो है ना 3 आउटपुट मजीद दी हुई हैं, Y0 रेड लाइट के लिए है, Y1 येलो लाइट के लिए है, Y2 ग्रीन लाइट के लिए है। इन सारों को, इनपुट को, परमानेंट स्विचेस को, लाइट्स को और इन आउटपुट को मैं यूज़ करके इस प्रोग्राम को बना सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक एक्सरसाइज है जिसको हम करेंगे तो ये लाइट्स हमारे पास काम करेंगे। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे बनाया गया है, विंडो के अंदर आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले X20 है, X20 को अगर मैं प्रेस करता हूँ, ये पुश बटन है, पुश करने से ऑन हो जाता है, अगर रिलीज़ करते हैं तो ऑफ हो जाता है, छोड़ देते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। इसको मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ से करंट गुजरता है। T0 नॉर्मली क्लोज है, T0 क्या है, टाइमर T0 का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, ये ऑलरेडी क्लोज है, तो यहाँ से करंट पास होकर के Y0 को मिलेगा, Y0 ऑन हो जाएगा। Y0 के साथ पैरेलल में हमारे पास T0 लगा हुआ है, T0 K100, T0 हमारे पास टाइमर है जो 100 तक डिले दिए हुआ है, यानी 10 सेकंड का डिले दिए हुआ है। जैसे ही हमारे पास ये Y0 ऑन होगा, उसके साथ टाइमर भी आना होगा, टाइमर जैसे ही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 100 को पहुंचेगा, 100 अपनी आखिरी उस टाइमिंग को पहुंचेगा, उसके बाद T0 इनर्जाइज होगा। इनर्जाइज होने के बाद इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और क्लोज ओपन हो जाएगा। तो इसका ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, तो ये भी ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने टाइमर का नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ किया है, ये कॉन्टैक्ट हमारे पास क्लोज हो जाएगा। ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा तो ये ऑलरेडी क्लोज है T1 का, तो ये हमारे पास Y1 ऑन हो जाएगा। Y1 क्या है, ये येलो लाइट है, यानी Y0 ऑफ हो जाएगी, रेड लाइट ऑफ हो जाएगी, येलो लाइट ऑन हो जाएगी Y1, और उसके साथ टाइमर T1 K50 भी ऑन हो जाएगा। T1 K50 जो है ये टाइमर है जिसको हमने 50 यानी 5 सेकंड्स का डिले दिया है। तो ये ऐसे होगा कि ये जैसे ही ऑन होगी, इसके साथ ये भी ऑन होगा, और ये जैसे 50 सेकंड तक चलेगा, यानी अपनी टाइमिंग 50 को पूरे करेगा,
उसके बाद ये एनर्जाइज हो जाएगा। ये टाइमर एनर्जाइज होगा तो इसका ये नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे इसका नॉर्मली यहाँ पे नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ये क्लोज हो जाएगा। ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ से करंट आगे नहीं पास हो सकेगा, Y0 Y1 जो है ऑफ हो जाएगा, टाइमर भी ऑफ हो जाएगा, और ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा तो यहाँ से करंट पास होगा। T2 ऑलरेडी क्लोज हालत में लगा हुआ है, Y2 ऑन हो जाएगा और उसके साथ टाइमर T2 के 100 भी ऑन हो जाएगा। Y2 हमारे पास क्या है, ये ग्रीन लाइट है, यानी येलो लाइट ऑफ हो जाएगी, ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। ग्रीन लाइट हमारे पास चलेगी जब तक ये टाइमर चल रहा होगा, टाइमर जैसे ही 100 पूरे करेगा तो ये इनर्जाइज हो जाएगा। इनर्जाइज होने के बाद टाइमर का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा, तो इसके साथ ही टाइमर का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा तो ये भी ऑफ हो जाएगा, यानी Y2 भी, ग्रीन लाइट भी ऑफ हो जाएगी और इसके साथ टाइमर भी ऑफ हो जाएगा। लेकिन टाइमर का नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट राइजिंग एज के साथ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। देखें पहली जो हमारे पास लाइन थी, पहली रंग है, उसमें हमने T2 का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ये हमारे राइजिंग एज के साथ हमने नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट को दिया है, यानी जैसे ही टाइमर 100 पूरे करेगा, टाइमिंग से इसकी पूरी हो जाएगी, यहाँ से तो ये ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ये क्लोज कर जाएगा और ये राइजिंग एज है तो जस्ट ए सिंगल पल्स यहाँ से पास होगी, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। एक सिंगल पल्स यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से आएगी, ये ऑलरेडी क्लोज हालत में है क्योंकि टाइमर डी एनर्जाइज हो चुका है, क्योंकि क्लोज होने के बाद यहाँ से आएगी, Y0 को दोबारा से पल्स मिलेगी, ये ऑन हो जाएगा, उसके साथ टाइमर भी ऑन हो जाएगा। टाइमर जैसे ही टाइमिंग करने लगेगा उस वक्त तो ये ऑफ होगा, लेकिन जैसे ही टाइमिंग इसकी 100 यानी जैसे ही हमारे पास Y0 ऑन होगा तो Y0 का ये यहाँ पे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लगा हुआ है तो ये कॉन्टैक्ट भी इसका क्लोज हो जाएगा। ये एनर्जाइज होने के साथ इसका कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा। अब ये इस स्विच की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये स्विच ऑफ ही रहे, यहाँ से करंट पास हो रहा है, ये भी एक दफ़ा ब्लिंक करके ऑफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ से करंट जा रहा होगा आगे इसको ऑन करेगा। उसी तरीके से ये अपना टाइमिंग 100 पूरी करेगा, 100 पूरी करने के बाद टाइमर एनर्जाइज होगा तो इसका नॉर्मली ओपन क्लोज कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, और यहाँ से इसका जो ओपन कॉन्टैक्ट है वो क्लोज, यहाँ से नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ से नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास Y1 को ये एनर्जाइज करेगा, क्योंकि T1 उसका डी एनर्जाइज कंडीशन में था तो ये इसको ऑन करेगा, उसके साथ ही टाइमर भी ऑन होगा। ये टाइमर फिर दोबारा से क्या करेगा, 50 तक जाएगा, ये जैसे ही एनर्जाइज होगा इसका यहाँ पे Y1 का कॉन्टैक्ट हम पैरेलल में लगाए हुए है तो ये भी एनर्जाइज हो जाएगा। तो ये जैसे ही 50 पूरे करेगा उसके बाद यहाँ से इसको डिसकनेक्ट कर लेगा, यानी Y1 यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, Y1 हमारे पास येलो लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी तो यहाँ से हमारे पास T0 ऑन हो जाएगा। T0 का जो नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट है इसके यानी हमारे पास जैसे ही 50 सेकंड अपने टाइमिंग 5 सेकंड पूरे करेगा, 50 तक चला जाएगा टाइमिंग में, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से इसको ओपन करेगा और यहाँ से क्लोज कर देगा, फिर दोबारा से Y2 ऑन हो जाएगा, ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी, इसके साथ जो टाइमर है 100 तक जाएगा, 100 पूरे करने के बाद इसको यहाँ से ओपन कर देगा और फिर दोबारा से यानी ये भी हमारे पास जो Y2 है ये Y2 का ये हमारे पास पैरेलल में हमने कॉन्टैक्ट लगाए हुआ है ताकि ये पुश बटन यानी हमारे पास इसके ये अगर सप्लाई यहाँ से डिसकनेक्ट भी हो जाए तो यहाँ से चलती रहे। तो Y2 जैसे ही हमारे पास ऑफ होगा उसके बाद क्या होगा कि T2 अपने 100 टाइमिंग पूरी करेगा तो ये दोनों ऑफ हो जाएंगे और इसका यहाँ से फिर यहाँ से तो उसका कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा लेकिन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ये राइजिंग एज है तो राइजिंग एज के साथ एक पल्स दोबारा से जाएगी, पहले उसी तरीके से Y0 ऑन होगा, रेड लाइट ऑन होगी, यहाँ पे आएगा Y1 होगा, येलो लाइट ऑन होगी, रेड लाइट ऑफ हो जाएगी, येलो लाइट ऑन हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है ना ग्रीन लाइट ऑन होगी, येलो लाइट दोबारा से ये ऑफ हो जाएगी, फिर दोबारा से इसी तरीके से इस सीरीज में चलता रहेगा यानी इनफाइनाइट टाइम के लिए जब तक इसको हम ऑफ ना कर दें। तो इसको हम देखते हैं रन करने के लिए। सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट में जा करके कन्वर्ट करता हूँ, ऑनलाइन में जा करके राइट टू PLC करते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हम Mitsubishi PLC में काम कर रहे थे। तो अब ये राइट टू PLC हो गया है। अब सबसे पहले देखें मैं इस स्विच को ऑन करूँगा X20 को, तो यहाँ सप्लाई गुजरेगी, Y0 ऑन हो जाएगा, उसके साथ टाइमर भी ऑन हो जाएगा। तो X20 को भी पुश बटन है, इसको मैं एक दफ़ा प्रेस करूँगा तो ये ऑन हो गया, देखें रेड लाइट भी ऑन हो गई है, उसके साथ टाइमर चल रहा है। जैसे टाइमर अपना टाइम पूरा करेगा यहाँ से इसको क्लोज कर देगा, उसके साथ Y1 ऑन हो जाएगा, ये क्लोज कर दिया, इसको इसने ओपन कर दिया क्योंकि ये ओपन हो गया है, इसको इसने ओपन कर दिया है, ये लाइट ऑन है, ये जैसे ही पूरी करेगी उसके बाद यहाँ से क्लोज होकर के ये दूसरी लाइट ग्रीन लाइट को ऑन कर रहा है और इसी तरीके से इसका टाइमर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से एक पल्स गुजरेगी दोबारा से, ये देखें एक पल्स गुजरी है, यहाँ से Y0 ऑन हो गया है, फिर Y0 के बाद Y1, फिर Y2 यानी रेड लाइट, फिर येलो लाइट, फिर ग्रीन लाइट। अब येलो लाइट चल रही है, उसके बाद ग्रीन लाइट ऑन होगी,
उसी तरीके से फिर ग्रीन लाइट का अपना टाइम पूरा करेगी, तो यहाँ से येलो लाइट रेड लाइट दोबारा ऑन होगी ये, और उसके बाद फिर येलो लाइट और फिर ग्रीन लाइट इसी तरीके से एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो इसको हम ट्रैफिक लाइट कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह आपको इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसमें आगे इंशाल्लाह आपको ऑटोमेशन फील्ड से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़, यहाँ तक कि आपको बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम इसको हम लेके आएंगे जो बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली इंटरफेस देंगे फैक्ट्री के साथ, फैक्ट्री के अंदर मशीनें कैसे काम करती हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल इंटरफेस हमें देंगे। ऐसे हमें नज़र आएगा कि चीज़ें जैसे ओरिजिनली हमारे पास काम कर रही होती हैं। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।